गांव चलो अभियान के तहत चाहे शहरों का सेक्टर हो बूथ हो और चाहे गांव का सेक्टर बूथ हो, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन एक दल खाली चाहता कि ईवीएम से हो। हम दल से नहीं गठबंधन कर रहे हैं, दलों के पास कुछ है ही नहीं। गठबंधन निश्चित है कि आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत करके आएगी। तो सर नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय विश्वनाथ पाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बीएसपी अब एक्शन मोड में है, जिस तरीके से तमाम भाषण और तमाम स्पीचें आपने भी सुनी हैं, बीएसपी अब एक्शन मोड में है। वही पुराना दौर जो माननीय काशीराम के समय, और बहन जी लगातार उसी मिशन की तरह अभी कैडर यहाँ पर चल रहा है। बिलक राम है ये जिला हरदोई का, और यहाँ पर कैडर के माध्यम से तमाम बहुजन समाज की जितनी भी और जो जातियाँ हैं उनको जगाने का काम इस समय चल रहा है। विश्वनाथ पाल जी क्या कहेंगे, बीएसपी अब एक्शन मोड में है तो विरोधी भी अब सत्ते में है, कि अब क्या होगा उनका? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी एक्शन में आती है कोई विरोधी खड़ा नहीं हो पाता है, और आज बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है। माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को ही प्रदेश की जिम्मेदारी देने का काम किया है, और आज बहुजन समाज पार्टी के जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तब से लगातार 20 दिसंबर को माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी सौंपी है, और 23 तारीख से मैं लगातार निकला हूँ, और अभी मेरा मंडल वाइज कार्यक्रम पूरा हुआ, और उसमें मैंने देखा कि हर जगह बहुत बड़ी भीड़, पूरे पिछड़े समाज की, मुस्लिम समाज की, एस सी एस टी समाज की, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय भाई समाज के लोग भी बड़ी संख्या में जुटे, और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जिस दल का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है उस दल को कोई भी चुनाव जीतने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। क्या कहेंगे सर, जो अभी बीएसपी का जो मिशन गांव की ओर चलो वो है, तो उससे क्या होने वाला है? देखिए माननीय बहन जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे नेता माननीय बहन जी हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं के माननीय बहन जी ने निर्देश किया है कि ये बूथ और सेक्टर की कमेटी पहले बहुजन समाज पार्टी की ही बनी है। आज जितने लोग भी बूथ सेक्टर कमेटी की तरफ जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की नकल कर रहे हैं। उसी चीज़ को माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि हम सभी लोग जाकर के गाँव में, गाँव चलो अभियान के तहत चाहे शहरों का सेक्टर हो बूथ हो और चाहे गाँव का सेक्टर बूथ हो, 10 बूथों का एक सेक्टर होता है, उस सेक्टर की बैठक हो रही है, उसमें हम लोग बूथ के 5 पदाधिकारी, सेक्टर के जितने बूथ उतने सचिव, पब्लिक सेक्टर बूथ प्रभारी, और उसके बाद एक अध्यक्ष सेक्टर का, महासचिव, और बामसेप बीबीएफ के हमारे लोग होते हैं। ये पूरी कमेटी को बड़ी मजबूत तरीके से जिम्मेदार लोगों को हम लोग उनका फिर से सर्च करके उन लोगों को बना रहे हैं, उनको बीएसपी का सदस्य बना रहे हैं, और निश्चित है कि जब हमारी टीम मजबूत हो जाएगी, चाहे ये नगर पंचायत का चुनाव करा लें, वार्ड का करा लें, मेंबर का करा लें, चाहे आपका मेयर का करा लें, और चाहे लोकसभा का करा लें, बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। निश्चित है कि जो भी चुनाव कराएंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में निकल करके आएगी। लगातार विरोधी सवाल, क्योंकि बहुजन समाज एक सपना देख रहा है बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का, जब ये सवाल तमाम विरोधी पार्टियां उनके सामने जाते हुए एक मुस्कान सी दे देते हैं, अरे बीएसपी वो तो कहीं नहीं है, तो इस पे मैं आपकी स्पीच भी सुन रहा था, जिस तरीके से आपने बताया कि 10 सांसद हैं और तमाम चीज़ें, ईवीएम पे भी सवाल उठाने वाले दानिश अली हैं जिन्होंने लगातार ईवीएम पे भी सवाल उठाए हैं, वो बात अलग है कि 131 सांसद हैं वो उस ईवीएम का उन्होंने समर्थन नहीं किया, तो क्या कहेंगे उन तमाम लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे जो अब 2024 में? देखिए ईवीएम जो है, जिस देश के लोगों ने ईवीएम बनाया, ईवीएम चालू किया, उन देश के लोगों ने जब देखा कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है तो उन लोगों ने ईवीएम को बंद कर दिया। और इस भारत देश में जितने दल हैं सारे दल की मांग है कि ईवीएम बंद किया जाए, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन एक दल खाली चाहता कि ईवीएम से हो। तो जब सारे दल चाह रहे हैं तो ईवीएम को बंद कर करके बैलेट पेपर से वोट कराना चाहिए, और अगर ये नहीं हो रहा तो ये गलत हो रहा है, ये तो करना पड़ेगा चाहे जब करें। और रही बात हंसने की बात, बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत से इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में रही है, और जब बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हंस रहे हैं, इनकी हैसियत 2000 4000 6000 ज़्यादा विधानसभाओं में नहीं थी। आप 12 के चुनाव रिजल्ट इनका देख लीजिएगा और 7 का देख लीजिएगा, और आज भी बहुजन समाज पार्टी इतनी षड्यंत्र साजिश करने के बाद भी हमारा वोट परसेंटेज कहीं पर देखो तो 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 80,000 99,000 तक वोट मिला, लेकिन लोग कहते कि खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि चौराहे पर जो बात करने वाले लोग हैं वो हर समाज के बड़े लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी के साथ हर समाज का, हर धर्म का, गरीब तबका है, और बड़ी संख्या गरीबों की होती है, और गरीब चौराहे पर झगड़ा नहीं कर सकता आपसे, ये गरीब वोट दे करके उनको उनके हैसियत में खड़ा करेगा। बहन जी ने जो अभी डिसीजन लिया है कि वो अब बिल्कुल अलग
क्योंकि गठबंधन नहीं करेंगी वो, और जो इलेक्शन अब जो होंगे वो बिल्कुल सिंगल होकर अब बीएसपी लड़ने वाली है। तो इस पर तमाम जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, बहन जी को कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाहिए था, तो क्या वही एक्शन अब दिखने वाला 2024 में? देखिए, साथ में बहुजन समाज पार्टी का किसी से गठबंधन था? किसी से गठबंधन नहीं था। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को न्याय देने के लिए सभी समाज के लोगों का गठबंधन कर रही है। हम दल से नहीं गठबंधन कर रहे हैं, दलों के पास कुछ है ही नहीं। जब समाज का गठबंधन करके, एक भाईचारा पैदा करके, इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी वोट डलाएंगे तो दल का कोई महत्व रह जाएगा किसी के? हमारे साथ सर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, सर समाज के लोगों का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी में बन रहा है, और ये गठबंधन निश्चित है कि आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत करके आएगी। और ये गठबंधन दलों का नहीं, दिलों का है, समाज का है, हर समाज के लोग गठबंधन बीएसपी के साथ हो गया है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बीएसपी पार्टी नहीं, बीएसपी मिशन है, और उसी मिशन को लगातार विश्वनाथ पाल जी पूरे प्रदेश में आप जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार बीएसपी जो है एक्शन मोड में है, और उसका रिजल्ट 2024 में जरूर मिलेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।